नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सुख शांति समृद्धि, असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देते दिवाली के दीपों से जगमग देश दुनिया का कोना कोना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। पीएम ने उन्हें दी दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली पर कच्छ में जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री की दो टूक। कहा, आज देश में सीमा के एक इंच से भी समझौता ना करने वाली सरकार, अब दुश्मन की बातों पर नहीं सेना के संकल्प पर भरोसा। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम का कड़ा संदेश। कहा, कुछ लोगों को अखर रही है देश की एकता, एक हैं तो सेफ हैं के संकल्प को बता रहे हैं गलत। अर्बन नक्सलियों के गठजोड़ से सावधान रहने की दी नसीहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एलएसी पर कुछ इलाकों में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया लगभग पूरी, मामले को और आगे ले जाने का प्रयास, लेकिन करना होगा थोड़ा इंतजार। भारत चीन सीमा पर सैनिकों को बांटी मिठाई। तो आइए बात करते हैं दिवाली के शुभ त्योहार की। भारत राष्ट्र के लिए दिवाली का त्यौहार कई संदेश लिए आता है, लेकिन 2024 की दीपावली कई मायनों में बहुत अलग है, खास है। इतिहास में हमेशा याद रहेगी इस बार की अयोध्या वाली दिवाली, भव्य राम मंदिर में रामलला की पहली दिवाली। दीपावली का त्यौहार देश दुनिया में दे रहा है संदेश कि सनातन धर्म से जुड़ी है भारत की शक्ति। जगमग दीपों की रोशनी में नहाया देश, कोना कोना उजास, उत्सव को और अलौकिक और दिव्य बनाती दीपों के लौ से निकलने वाली सुख शांति और समृद्धि की कामनाएं। क्या आम, क्या खास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब प्रकाश के महापर्व की खुशियां समेटने के लिए बेताब हैं। देश के हर कोने में दीपों के उत्सव को मनाने की अपनी परंपरा और रिवाज है, लेकिन संदेश एक है, अंधकार पर प्रकाश की विजय, असत्य को हराकर सत्य को स्थापित करना। ऊपर उठते इन दीपों के प्रकाश की तरह ही राष्ट्र निर्माण को सर्वपरि रखना। प्रकाश पर की रंगत ऐसी कि हर कोई एक दूसरे को प्रेम बांटता नजर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल की गहराइयों से देशवासियों को शुभकामनाएं भेंट की। राष्ट्रपति ने प्रेम और करुणा के गुणों को अपनाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अज्ञानता पर ज्ञान की शाश्वत जीत का प्रतीक है ये पर्व। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना की। दिवाली पर देश के कोने कोने से आई तस्वीरों से साफ हो जाता है कि हमारे पर्व और त्योहार हमारी संस्कृति और विरासत को सजोने के अलावा हमारी परंपरा को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दिवाली का त्यौहार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापसी का उल्लास है। प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। यही परंपरा अनवरत जारी है। आज सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लेकर सरहद पार तक भी भारतीय संस्कृति को समेटे ये दिए जल रहे हैं और उन्हें नई ऊर्जा और रोशनी प्रदान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति आवास पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। पीएम ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसे जारी रखते हुए इस बार दीपावली का त्यौहार पीएम ने कच्छ में मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम खत्म करने के बाद पीएम मोदी कच्छ पहुंचे। देश की सीमा की दुश्मन से रक्षा करने वाले जवानों को पीएम मोदी ने मिठाई खिलाई और जवानों के साथ दिवाली मनाई। सरक्रीक के नज़दीक बीएसएफ जवानों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को मिठाई खिलाई। पिछले साल हिमाचल के लेपचा गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारी है, बसरा प्यारी, मैं तुझे सलाम। दिवाली पर प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचे तो गुजरात के कच्छ में नजारा कुछ ऐसा था। पीएम ने जवानों को त्योहार की शुभकामनाएं दी और 140 करोड़ देशवासियों के कृतज्ञ भाव और आभार का संदेश भी। देश के जाबाजों के साथ दीपावली मनाने का आनंद ही कुछ और होता है, और मैंने तो अनुभव किया है, सालों से मैं करता आया हूं, और मैं हमेशा देखता हूं कि जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए पीएम ने इस बार की दिवाली को खास बताया। वीर जवानों की अटल इच्छा शक्ति, अथाह शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा को पीएम ने सुरक्षा और शांति की गारंटी कहा। पीएम ने जवानों से कहा कि जब आप जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक क्या का कांप जाते हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के एक इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। पीएम ने अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के अधिक उपयोग, सीमावर्ती गांवों का विकास, सीडीएस की नियुक्ति और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय जैसे प्रयासों को गिनाया, जिनसे देश रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुआ है। रक्षा निर्माण में आई तेजी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि देश अब इस क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बन रहा है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। देश की कमान संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री हर बार जवानों के बीच दिवाली मनाते रहे हैं। इस बार बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों का त्योहार पीएम की मौजूदगी ने यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर काफी उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई और शारदा पीठम द्वारा आयोजित इस दिवाली कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पर आए पर्यटकों ने भी भाग लिया।
जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स के जवानों ने राजौरी जिले में स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई और लोगों को मिठाई भी खिलाई। दीपावली पर रामनगरी अयोध्या भगवान श्री राम के स्वागत में भव्य नव्य रूप लिए हुए है। अयोध्या में देश भर से दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के आदिवासी भक्तों ने अयोध्या आकर भगवान श्री राम के दर्शन किए। इस दौरान आदिवासी भक्तों ने देवारी नृत्य का प्रदर्शन किया। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की एक खास रिपोर्ट। देखिए, यही सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से हम सदियों की अपनी परंपरा को आज भी सहेजे हुए हैं। देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं अपने प्रभु श्री राम आराध्य देव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम लला के विराजमान होने के बाद यह पहली दीपावली है। निश्चित तौर से यही शाश्वत सनातन संस्कृति है और अयोध्या इसी का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहली दिवाली है। पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग श्री राम लला के दर्शन करने के लिए वहां आ रहे हैं। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए व्यापक व्यवस्था की हुई है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र से बात की है संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने श्रद्धालुओं के लिए अनेक बेहतर सुविधाएं स्थापित की हैं जिससे किसी तरीके की दिक्कत न हो। समुचित दर्शन की व्यवस्था और सबसे ज़्यादा कम से कम प्रतिवर्ष अगर करोड़ों में लोग आते हैं तो दिवाली के मौके पर प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद रहती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, पहली दीपावली है रामलला जी के विराजमान होने के बाद, 1 लाख दीप जले, क्या क्या अनुष्ठान, क्या क्या तैयारियां, क्या क्या उद्गार? बहुत आनंद पूर्वक ये दीपावली हम लोग यहाँ मना रहे हैं। पूरी अयोध्या उल्लास से भरी हुई है। आने वाला श्रद्धालु आनंद के साथ स्वयं अपने घर से दीपक तेल बत्ती लेकर के आ रहा है, इस पथ पर दीप दान कर रहा है, स्वयं इसकी सज्जा कर रहा है। इस बार प्रभु राम के विराजित होने के बाद पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम था यहाँ। उस दीपोत्सव का प्रारंभ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ उप मुख्यमंत्री और सभी लोग यहाँ आए और प्रभु राम के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का उद्घाटन किया। आज मुख्य दीपावली का दिन है, कल तो 1 लाख दीपक जले, क्या क्या अन्य अनुष्ठान विधि विधान से ईश्वर की पूजा और दीपदान और अन्य कार्यक्रम क्या कुछ है मंदिर प्रांगण में? कल से ही हमने 28 तारीख से ही पूरे परिसर को विद्युत से, द्वारों से, तोरण द्वारों से सजाने का काम किया है। परिसर में लाखों दीपक जलाने का काम लगभग 1200 से 1500 कार्यकर्ताओं ने, राम भक्तों ने आकर के परिसर में किया है। पूरी देश दुनिया जानना चाहती है मंदिर का निर्माण किस पहले चरण में प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही चुकी है, किन किन क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो रहा है और कब तक ये संपूर्ण होने की उम्मीद है? मंदिर का निर्माण बहुत तीव्रता के साथ चल रहा है। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा सेवा केंद्र है, यहाँ आने वाला श्रद्धालु आप 1000 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा ले सकते हैं। मंदिर की जहाँ तक बात है वो फरवरी तक, मार्च तक मंदिर पूर्ण हो जाएगा निर्माण का कार्य। रामलला की पहली दीपावली है विराजमान होने के बाद, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने ही कहा, अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अवधपुरी की धूल को भी स्वर्ग से भी महान बताने वाले भगवान श्री राम हमें प्रेरणा देते हैं और यही संदेश समूची मानवता को अयोध्या से जाता है। दीपावली से निकला प्रकाश पूरी दुनिया में यही कहेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दुनिया भर में किस तरह से दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना,
असली मसालों का उपहार MBH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MBH मसालों वाली। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें कि अमेरिका में दिवाली का जश्न नया नहीं है। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दिवाली का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। अमेरिका में इस साल ऐतिहासिक है दिवाली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय और आवास व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया। इसमें देश भर के सांसदों, अधिकारियों और कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों समेत 600 से अधिक प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी शामिल हुए। न्यूयॉर्क में पहली बार छुट्टी का ऐलान किया गया है। अटलांटा और अयोध्या के बीच करीब 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस जरूर है, लेकिन दीपावली के प्रति उत्साह में कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगह काम करते हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह दीपावली के दिए पूरे अमेरिका को प्रज्वलित करते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की ये तस्वीर ग्लोबल दीपावली की एक झलक पेश करती है। भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा से होती हुई दिवाली की ये रोशनी अमेरिका और यूरोप तक पहुंचती है। अमेरिकी मिलिट्री बैंड ने दिवाली पर व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाकर एकता, सौहार्द और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। अमेरिका में दिवाली पर कई ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया। इनमें न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। दीयों और रंगोली से सजे इस कार्यक्रम में मिस्र, UAE, पुर्तगाल, सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों के राजदूत शामिल हुए। दिवाली का खुमार भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों पर भी छाया रहा। अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया। जापानी दूतावास में भी दिवाली समारोह आयोजित किया गया। फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ ने नई दिल्ली के एक बाजार में मिठाई खरीदने के लिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। इसके अलावा दुनिया के कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली को आस्था और संस्कृति की एक असाधारण सुंदर उत्सव बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि त्यौहार की रस्में हर तरह से समुदाय की अभिव्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की कामना की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा, आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने उम्मीद जताई कि दिवाली देश और दुनिया भर में हर घर में सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिवाली के अवसर पर द्वीपीय देश के लोगों से एक नए सांस्कृतिक अस्तित्व का निर्माण करने का आग्रह किया, जिसमें करुणा और आलोचनात्मक विचार समाहित हों। स्कॉटलैंड में एक चैरिटी संगठन ने स्कॉटिश संसद में एक रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वीनी ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो आज भारत समेत दुनिया भर में हर्षोल्लास से ये दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दीपावली के दौरान दुबई भी दीपावली त्यौहार में पूरी तरह से सराबोर दिख रहा है। दीपावली के पर्व पर दुबई के प्रमुख स्थानों पर भव्य समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। दुबई के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों में से एक ग्लोबल विलेज में भी दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ग्लोबल विलेज में कुशल कारीगरों ने मुख्य मंच के सामने एक शानदार 5 से 8 मीटर की रंगोली बनाई है, जो त्यौहार के दौरान एक प्रमुख आकर्षण है। दुबई में दीपावली के लिए अलग से एक बाजार भी लगाया गया है, जहां विक्रेता मिट्टी के दिए, त्योहारी सजावट का सामान, मिठाइयां और भारतीय आभूषण सहित पारंपरिक वस्तुएं बेच रहे हैं। हैप्पीनेस गेट और गेट ऑफ द वर्ल्ड जैसे क्षेत्रों को पारंपरिक दिवाली का माहौल बनाने के लिए रोशनी वाले दियों से सजाया गया है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए टीटी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना, असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे हैप्पी दिवाली आपको भी कपिला पशु आहार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो हाँ भाई, इनकी तरफ से भी। मेरी पसंद हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ और उनको भी सिखाओ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ, मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देख कर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS के रैप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस मौके पर आयोजित एक परेड का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। स्वतंत्र भारत का पहला और जरूरी काम था 562 रियासतों का भारत में विलय। इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में
राष्ट्रवादी थे। मैं देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण रखने की प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ भारत की बेटियों की सदैव उन्नति। जिसके बाद अर्धसैनिक बलों और पुलिस के दस्तों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। वायुसेना के विमानों ने फ्लाईपास्ट किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्कूली छात्रों और कलाकारों ने विविधता में एकता की झलक प्रस्तुत की। मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियों ने हर्ष और उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, ऐसे में अर्बन नक्सल, जात पात और गरीबों को वंचित रखने वालों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संविधान की माला जपने वालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, 75 साल में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में मौजूदा सरकार ने देश में भेदभाव मिटाने के सभी प्रयास किए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। सामाजिक सद्भाव, न्याय के साथ देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के लिए जरूरी है सब एक साथ रहकर आगे बढ़ें। यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र, और यही है सरदार पटेल की सच्ची विरासत भी। माता की भारत माता। केवड़िया से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।